हेलो फ्रेंड, जैसे राम, जैसे कि आप देख सकते हो मैं ये डेंटिस्ट के क्लिनिक पे गई हुई थी और काफ़ी अच्छा ये हॉस्पिटल है। ये बगल में ही गुरुद्वारा है और उसके बगल में ही मंदिर है राम जी का। और आप देख सकते हो उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी थी। मेरे दांत में बहुत पेन हो रहा था इसलिए मैं यहाँ गई थी। सतसंगत गुरुद्वारा सैनिक विहार अपोजिट गेट नंबर 4 में गए थे। और ये देख सकते हो ये अनुभव त्यागी जी डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे हैं आप भी। ये इन्होंने ही मेरा इलाज किया। ये मैं बाइक से दूसरी सिटिंग में गई थी, वो पहली सिटिंग थी, अभी दूसरी सिटिंग में जा रही थी। काफ़ी धूप थी, बहुत धूप थी और हवा भी चली थी, मगर धूप भी बहुत थी और फेस भी इतना रेड हो चुका था। सूरज जी बाइक चला रहे थे और हम जा रहे थे, और मैं वहाँ जा रही थी जब मैं घर से निकली थी तब की है, और जब मैं वहाँ से अब रिटर्न आ रही थी घर। और काफ़ी धूप थी, धूप तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, आँखों में चुभ रही थी, काफ़ी गर्मी लग रही थी। सूरज जी को मैंने बोला देखो, या बाइक चलाते चलाते देख रहे थे कैमरे में और बाइक चला रहे थे। और एक साल बाद ये मेरी फ्रेंड थी और हम मिले हुए थे, बहुत अच्छा लगा। मिलते वक्त भी गले लगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि हम एक साल बाद मिल रहे हैं। फिर मैंने वीडियो इनके साथ बोली तो इनको भी काफ़ी अच्छा लगा। और देखो जाते समय भी गले मिल रहे हैं, थोड़ा रोना धोना हो गया और अब बोले चलो देखते कब मिलते हैं। और फिर हम यहाँ से मिल के गए। और अब मैं यहाँ पे, मैं ये हाईवे पे हूँ, ये देख सकते हो आप, ये काफ़ी बड़ा हाईवे हेलीपैड, आप जानते हो रामा विहार का साइड हेलीपैड जो हाईवे है काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे मैं अब ड्राइव करने वाली हूँ, क्योंकि आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था मैं बाइक चला लेती हूँ और ड्राइव करने वाली हूँ। आप देख सकते हो, अब मैंने चाय भी ली और मैंने स्टार्ट किया बाइक, और ये हाईवे है, अब मैं बाइक मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं चला रही हूँ। आप देख सकते हो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और ये देख सकते हो मैं बाइक चला रही हूँ। अब मैंने सोचा चलो भगा लो, धूप तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत धूप थी। मैंने बोला चलो भैया को भी साइड दे देते, भैया साइड ही नहीं दे रहे थे, मैंने बोला हम साइड से निकाल लेते हैं। फिर मैं बाइक चलाते चलाते गई। और मैं जा रही थी आज मैं अपनी बड़ी सिस्टर के घर, मेरी बड़ी जो बहन है मैं उनके घर जा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं खुद ही 1-1.5 महीने बाद जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं खुद ही ड्राइव करती हूँ। और फिर मैंने खुद ही बाइक चलाई, मैंने बोला चलो आज मैं खुद ही चला के लेके जाऊंगी घर तक पूरा, और ऐसे तो मैं चला ही लेती हूँ, ठीक है, सबको आना चाहिए, ठीक है। और ये देखो बहुत अच्छा लग रहा था, मगर ये धूप ने दिमाग ख़राब कर रखा था। क्या ही करूँ, जिस दिन मैं बाहर निकलती हूँ उस दिन धूप ही धूप होती है। ऐसे निकलते तो रोज़ ही है, मगर बाहर घूमने के लिए निकलती हूँ या कोई काम होता है उस दिन ज़्यादा धूप होती है। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरी बाइक चल रही है, काफ़ी स्पीड में चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा स्लो चलाओ, मगर फिर मैंने बोला कोई नहीं, हमें जल्दी पहुंचना है क्योंकि हमें शाम को रिटर्न भी आना था। तो आप देख सकते हो मैं अपनी सिस्टर के घर पहुंच चुकी हूं, मेरी बड़ी सिस्टर है। आप यहां का रिएक्शन देखना, मेरी एक सॉफ्टी है, बहुत अच्छी सॉफ्टी है, देखो आ गई सॉफ्टी, कितना प्यार जताएगी। मासी आ गई भाई, सॉफ्टी की मासी आ गई, ये देखो बिल्कुल नहीं छोड़ती है पीछा। और देखो ये मैंने मेरी दी की लड़की है, और फिर मैंने इसे गोद उठाया, मान ही नहीं रही थी कि गोदी में आने को कहती है कि गोदी लो। ये मैंने अपनी बड़ी बहन से गले लगे, और ये मेरा छोटा सा, मेरी छोटी दी का बिताई है ये पे, और बहुत क्यूट है। और अब जैसे कि आप सॉफ्टी को देख सकते हो, वो देख रही थी अब मौसी कहाँ जा रही है। मैंने बोला, मैं सॉफ्टी को बोली थी मैं जा रही हूँ सॉफ्टी बाय, अब देखो जीने पर मेरे से भी तेज़ भाग के जाएगी। और देखो ऊपर हम, मैं जा रही हूँ छत पे, अब दीदी के घर में जो छत पे हमारा यहाँ दीदी का काम चलता है यहाँ पे, कि जैसे कि बैगों का काम होता है और काफ़ी कारीगर यहाँ काम करते हैं। और ये मेरी दीदी के सारे बच्चे हैं, वो भी काम करवा रहे हैं क्योंकि घर में काम है तो काम करवाना ही पड़ता है यार, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी दीदी की लड़की है सेकंड नंबर, और हम सब ये बोलती मौसी आप आ जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सब खुश हो रहे थे कि हाँ ये देख सकते हो, ये बोलती है तुम मेरी जान हो, मैं बोलती हूँ हाँ मैं भी आपकी जान हूँ, हर एक सामने बैठी हैं। और ये मेरा छोटा सा मुन्नू है, बहुत क्यूट है, इसका नाम मानव है, बहुत क्यूट है, बड़ा शांत स्वभाव, किसी के पास भी चला जाता है, क्यूट सा है। मैंने बोला चलो आज मैं अपने मुन्नू के साथ भी वीडियो बनाऊँगी। मुन्नू को तो गर्मी लग रही थी और ये थोड़ा रात होती जा रही थी, घर में खाना बनना था। ये मेरी बड़ी बहन की बड़ी सिस्टर रोटी बेल रही थी, और ये मेरी एक छोटी रोटी सेक रही थी, दाल चावल बना था, आम का अचार था, हाय हाय मुँह में पानी आ गया खट्टा खट्टा देख के। मैंने बोला जल्दी खाना बनाओ, भूख लग रही है आपकी मौसी को, मुझे कोई मौसी ही नहीं कहता, सब दीदी कहते हैं, हम सब एक ही एज के लगते हैं देखो।
वो बर्तन धो रही थी, वो बड़ी लड़की है मेरी, बड़ी बहन की, और अब मैं अंदर वाले कमरे में जा रही थी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैंने अपनी बड़ी बहन को गले लगाया, मैंने बोली क्या कर रहे हो, इतनी रात तक क्यों काम कर रहे हो, ये मेरा मनु है, फिर मैंने इसको किस चीज़ दी, इसको तो देखते ही प्यार आता रहता है, और ये मेरी दूसरी दीदी की लड़की बोली मौसी मुझे भी गले लगाओ, ये मैंने बोला देख तकी रात को भी चैन नहीं है तकी में वो कवर लगा रही, मैंने बोला फिर हम बाहर आए हम सारे जने, देखो हम सेब खा रहे थे, हमने बोला वो बोलिए मुझे भी खिलाओ, और एक खाने आती इतने में मैंने हाथ ही हटा लिया था कोई नहीं हमने हम बाज़ार जा रहे थे, मैं बाज़ार में मिलती हूँ आपको, जैसे कि अभी दिखाऊंगी, मैं बाज़ार गई हुई थी, हम सब बाज़ार गए थे मार्केट करने, ये हम सारे जने मार्केट करने गए थे, क्योंकि जब मैं आती हूँ ना ये सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं, और काफ़ी दिनों से ही मुझे बुला रही थी और मैं जा ही नहीं पा रही थी यार। फिर हमने गमले वाले की शॉप पे रुके, आप देख सकते हो मेरी सिस्टर ने गमले देखे, गमले भी लिए, और काफ़ी सुंदर इस पे पौधे थे और मनी प्लांट वगैरह जो होते हैं सारी चीज़ें, फूल फ्लावर सारे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम दिखा सकते हो, ये मेरी सन्ना है, और जैसे कि ये लाइट लेनी है किसी को ले लेना यहाँ पे मार्केट लगती है पूरे रोड पे, अभी मैं यहाँ पे हूँ साथ में, वो कह रही है देखो हम कह रहे हैं कि ये बोल रही है मौसी हम तीनों एक जैसे लगते हैं, ये देखो हम कितने से लगते हैं, कोई मौसी कहता ही नहीं है, और ये देखो लाइटें कितनी प्यारी प्यारी बिक रही थी डेकोरेशन की, देखो मेरी बहन आलू ले रही थी 5 किलो 10 किलो आलू ले रही थी, टमाटर 80 रुपये किलो, ये देखो हरी सब्जियाँ वेजिटेबल खाना चाहिए यार, हरी सब्जियाँ खाना चाहिए, चाउमीन से दूर रहो, मैंने इसलिए बनाई थी वीडियो ये देख सकते हो मैंने फेस वॉश किया था, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा ये फेस वॉश है, अगर किसी को नाम इसका चाहिए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, आप देख सकते हो मैंने इससे फेस क्लीन किया, और अब दिखाती हूँ मैं अपने फेस का रिजल्ट आपको कि मेरा फेस कितना लाइट मारा था, शाइनिंग देखो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही स्मूथ हो गया था। अब हम खाना खाने बैठे, मार्केट से आ गए थे, हम खाना खाने बैठे, देख सकते हो वो डायपर बना रही है हम सब, ये मेरा हनी है, ये मानव का भाई है, और ये खुशबू सन्ना, हम सब बैठे हुए थे, अब हम खाना खाने जा रहे थे, तो चाउमीन, ये हनी है, ये जो छोटा मानव है उसका है हनी, और ये देखो खीरा खा रहा है छोटा सा बच्चा, देखो हरी सब्जियाँ खा रहा है, ये देखो हमारे घर में ये सॉफ्टी है, ये जो जर्मन शेपर्ड, और ये बिल्ली इसको थप्पड़ मार रही थी आपने देखा ही होगा, ये मेरा मोनू है, इसको तो क्या ही करूँ, इस पर तो मेरे को क्या बहुत प्यार आ जाता है सच में, कहते सच में बच्चे ना बहुत क्यूट होते हैं देख सकते हो, और अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बता सकते हो।